दरअसल बाबा बागेश्वर को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की सियासत गरमाने लगी है। मुंबई में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत हो रहा है, बिहार में चार दिन बाद होने वाले कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया। बागेश्वर को लेकर बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बाबा के आने के कार्यक्रम को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता हमलावर हैं एक दूसरे पर। महागठबंधन के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, तो क्या उनकी बेबाक बयानबाजी अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज शाम 4 बजे इस शो में हम यही 4 सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल नंबर 1 क्या है उस पर नजर डालिए। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 1, महाराष्ट्र टू बिहार बाबा पर क्यों खिंची तलवार? और इसके बाद सवाल हमारा एक और है, महत्वपूर्ण सवाल ये, हिंदू राष्ट्र का अभियान किसे फायदा किसे नुकसान? ये जो हिंदू राष्ट्र की बात बार बार कही जाती है। सवाल नंबर 3 ये है, क्या धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं बाबा, जिस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं? और सवाल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, सवाल नंबर 4, बाबा बागेश्वर पर क्यों लाल हुए लालू के लाल, यानी लालू यादव के बेटे इस तरीके से हमलावर क्यों हैं? और बाबा बागेश्वर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं वहां। गुरुकुल में बाकायदा शिक्षा मिलता है, जैसे आज की तारीख में मदरसा फैले हुए हैं, गुरुकुल खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को। अब मंदिरों को ही गुरुकुल बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल पद्धति को वापस लाने में बहुत समय लगेगा। हिंदू राष्ट्र में इतना टाइम लग रहा, इतनी आपतें कि जगह जगह मुसीबतें आ रही, तो हो अब गुरुकुल की जगह हमको मंदिरों को ही गुरुकुलम बनाना पड़ेगा। पसीना बहुत आ रहा, अब धन्यवाद, कथा में चलते हैं, फिर मिलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी साल भर तक मतलब उतने फेमस नहीं थे, बट साल भर में जितना प्रोजेक्शन क्या लोगों का आपकी ओर जितना आकर्षण बढ़ते जा रहा है, मतलब जो भी मीडिया प्रोजेक्शन चला पिछले 2-3 महीने में आपके एक साथ सारे नेशनल न्यूज चैनल में आपके इंटरव्यूज हुए, आपकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ते जा रहा है, क्या ऐसा है कोई पॉलिटिकल पार्टी समूचे मीडिया जगत कर रही है? समूचे मीडिया जगत को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद जिन्होंने सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखी, और बागेश्वर पीठ के सत्य को उजागर करके आज अनेक लाखों हिंदुओं के विश्वास को जगाने के लिए एक बूस्ट का काम किया है। इसमें पूरा का पूरा श्रेय समूची मीडिया जगत को है। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना है कि जितने भी मीडिया जगत के सत्य प्रकाशित करने वाले लोग हैं, ईश्वर करे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे और उन पर भगवान बालाजी की दया बनी रहे। दूसरी बात, हमारी खुद की निजी पार्टी है जिस पार्टी का नाम बजरंग बली है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसका निशान है मुगदर, वोट फॉर यू। हम किसी पार्टी के न सपोर्टर थे, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम नहीं रहेंगे, और राजनीतिक विषय से हमको कोई भी पार्टी खींचने का कोशिश भी मत करना। धन्यवाद। नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का एजेंडा है, आप पार्टी से जोड़ रहे हो, ये आपकी मानसिकता है। मुंबई के पागलों, यही कहना है कि आप सब जब तक सनातन की झंडा सनातन की बुहार को बहाते रहेंगे तब तक हम आते भी रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई भी माधव नगरी बनेगी। नाम बदलने की बात नहीं हमने की है कि आप लोग फिर से ट्रॉलिंग करो दूसरों। मुंबई को माधव नगरी बनाने का मतलब है धर्म नगरी। मुंबई जो अभी केवल माया नगरी कहलाती है वो माधव नगरी बने, इसलिए हम बार बार मुंबई आ रहे हैं, और फिर वही बात कहेंगे, हंसा करो हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। धन्यवाद। तो बाबा बागेश्वर का वही अंदाज, जिस तरीके से बेबाक बयानबाजी वो करते हैं, और मुंबई को अब माधव नगरी बात कर बनाने की बात कह रहे हैं, यानी जो मुंबई को हम माया नगरी भी कहते हैं, उनका कहना कि अब धर्म नगरी मुंबई को हम बनाएंगे, मंदिरों को गुरुकुल बनाना चाहिए, ये कहना धीरेन्द्र शास्त्री का। हमारी पार्टी का नाम बजरंग बली, धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना था कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते, हमारी अपनी पार्टी है बजरंग बली उसका नाम। तो आप सुन रहे थे जो जो बातें उन्होंने कही हैं। तो बजरंग बली विवाद पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कोई विरोध कर रहा है हमारा आपका, यह दुर्भाग्य की बात है। तो विवाद पर भी उनका यह कहना कि जो विरोध कर रहे हैं यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार है, किसी भी भगवान की किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है ना हो सकता है, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, तो अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है
कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।